क्या मामला है? बलिया में किस तरह का कोरोना केस मिला है? जी, बलिया में ये पहला पॉजिटिव केस मिला है और बलिया उत्तर प्रदेश का 74वां जिला हो गया है जिसमें पॉजिटिव केस है। एक राहुल कुमार पुत्र अशोक कुमार साह चांद दियर गांव के रहने वाले हैं, बैरिया तहसील के हैं। ये पॉजिटिव पाए गए हैं और ये अहमदाबाद से चले थे, जौनपुर ट्रेन से आए हैं। 9455 नंबर है ट्रेन का, उस ट्रेन से जौनपुर आए 4 तारीख को और 5 तारीख को बाई बस आए बलिया और उनको बेलथरा रोड में एक डीएवी इंटर कॉलेज है उसमें क्वारंटाइन फैसिलिटी पर भेजा गया और वहां रुके हुए सभी लोगों को कुछ दिन रोका गया था और रैंडम बेसिस पर 10 लोगों का टेस्ट लिया गया था और उन 10 लोगों में 9 लोगों का निगेटिव रिजल्ट आया है, एक का पॉजिटिव आया है और वो 7 तारीख का रिजल्ट आज 11 तारीख को सवेरे प्राप्त हुआ। इस क्रम में राहुल हैं, इनकी उम्र है 16 साल की और ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इनको कोई भी सिम्टम कोरोना का जो होता है वो नहीं है और इसलिए और हम सभी को सोचने की जरूरत है कि केवल सिम्टम जो अब तक दिखता था वो सिम्टम ही जरूरी नहीं है खतरे के लिए। कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया है उसको जो होम क्वारंटाइन 21 दिन बाहर रहने के बाद जो ये एक निर्देश दिए जा रहे हैं वो कितना जरूरी है। सिम्टम रहेगा ही नहीं और वो पॉजिटिव रहेगा और ये सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं तो ये हम सबको सतर्क रहना है इस बारे में। चाहे घर वाले भले हों, घर का बेटा होगा, पति होगा, बाप चाचा होगा, तो उस बहाव में न रहें, उसको घर में ही क्वारंटाइन रखें और क्वारंटाइन रखने का जो एक प्रोटोकॉल है वो मेंटेन करें, घर वाले मेंटेन करें और गांव वाले मेंटेन करें। इसीलिए ग्रामवार मोहल्लावार निगरानी समितियां बनाई गई हैं, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में, ग्रामों में सभासदों की अध्यक्षता में, वार्ड्स में ये बनाए गए हैं, मोहल्ला समितियों को हम लोग सक्रिय करा रहे हैं। प्रत्येक बीडीओ, प्रत्येक ईओ प्रतिदिन जाकर के ग्राम निगरानी वार्ड निगरानी समितियों का देख रेख कर रहा है। इस क्रम में अब राहुल को हम लोग जो कोरोना केयर यूनिट है वहां ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां पर है ये? अच्छी बात है कि हम उनको नई उम्र है और इसलिए ये माना जाता है कि रेजिस्टेंस पावर सामान्य रूप से अधिक होगा तो हम ये शुभकामना करते हैं। हमारा ये विश्वास है कि वो जल्दी रिकवर होगी। जो 9 लोग उनके साथ निगेटिव आए हैं लेकिन रहे हैं अभी कुछ दिनों तक उनके साथ, तो इसलिए उनको फिर से हम क्वारंटाइन रखेंगे, फिर से सैंपल लेंगे और एक बार और सैंपल निगेटिव आने के बाद ही उनको छोड़ेंगे जिससे हम डबली एश्योर हो जाएं। और ये कहा जाएगा कि बहुत अच्छा संयोग है कि बिना लक्षण के होते हुए भी वहां तक हम लोग सैंपल ले पाए और ये डिटेक्ट हो, नहीं तो एक केस अगर अननोटिस में रहे तो पूरे जिले को तबाह करने के लिए पर्याप्त है। तो ये नोटिस हो गया, ये जिले के लिए बहुत अच्छा संयोग कहा जाएगा। अगर अननोटिस से रहता तो उसकी भयावहता और फैलाव बहुत। सर, इनके जो संपर्क में थे उनके उनके ऊपर भी जांच होगी? उनकी क्या, जो इनके संपर्क में कोई जो भी आया होगा उनकी भी जांच होगी? वो सारा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई हो रही है और इनके साथ कोच में जो बैठ के आए थे वो
बसेस में जो बैठ के आए थे वो, उन सबको हम लोग ट्रेस करेंगे। जौनपुर में चूंकि ट्रेन निकली है तो जौनपुर में किस कोच नंबर में वो आए, उस कोच में कौन कौन बैठ के आया था, इस सारी की सूचना हम लोग डीएम जौनपुर को देंगे या डीएम जौनपुर से अनुरोध करेंगे कि वो अपने यहाँ ये ट्रेस कराएं कि उस कोच में कौन कौन लोग कहाँ कहाँ किस जिले के आए थे, कितने जौनपुर के थे, कितने गैर जनपदों को थे, उनको सूचना देंगे। कहाँ इसको इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है? इनका ट्रीटमेंट ये बसंतपुर में हम लोगों का L1 फैसिलिटी है, वहाँ भेजा जाएगा। शासन से भी बात हो रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय से, शायद उनका निर्देश ये है कि नए जून न क्रिएट किए जाएं और जहाँ ऑलरेडी पहले से हैं L2 फैसिलिटी आजमगढ़ वहाँ पर। ये देखिए एहतियात जो हमने कहा है कि एहतियात हर जोन का वही है कि हम होम क्वारंटाइन जो भी बाहर का आ रहा है उसको सही तरीके से होम क्वारंटाइन रहे, ये हर गांव को सतर्क होना है। केवल जिले और तहसील के सतर्क होने से नहीं तय, हर गांव को, गांव के निगरानी समिति को सतर्क होना है, हर परिवार को सतर्क होना है कि हमारे अपने घर का भी अगर कोई बच्चा या सदस्य आया है तो उसको उसकी उसके भले के लिए और सबके भले के लिए क्वारंटाइन रखा जाए, ठीक तरीके से उसका पालन किया जाए। दूसरा, जो यहाँ के भी लोग हैं वो भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये जो प्रोटोकॉल है बचाव के लिए उस पर और जोर देना है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। और बलिया के कुछ लोगों में ये हमने देखा कि अब तक निगेटिव रहा, पॉजिटिव नहीं मिला, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में था कि नहीं यहाँ तो है ही नहीं है, तो वो दिमाग से अब पूरा तरीके से निकाल देना चाहिए, पहले ही निकला होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को भी ये सतर्क होना चाहिए और इसे सीख लेनी चाहिए कि हम ये जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरीके से ध्यान रखें। थैंक यू सर।